हेलो फ्रेंड्स, चटोरी दीपा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। घर पर ही रेस्टोरेंट जैसी कढ़ाई पनीर कैसे बनाएं, वो मैं आज आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। इंग्रेडिएंट मैंने अपने पेज में मेंशन कर दिए हैं, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पनीर को मैरिनेट करना है। उसके लिए मैंने आधा कप दही लिया है, एक चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, आधी छोटी चम्मच हल्दी, छोटी चम्मच लाल मिर्च, एक छोटी चम्मच कसूरी मेथी, एक छोटी चम्मच किचन किंग, नमक स्वाद अनुसार और एक चम्मच सरसों का तेल। तो इसको चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप पनीर को मैरिनेट करके कढ़ाई पनीर बनाओगे तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा तंदूरी फ्लेवर आता है पनीर टिक्के का। अब इसमें मैंने पनीर के क्यूब्स हैं उनको मैंने कट करके इसमें मिक्स कर दिया है। याद रहे इसको धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से मिक्स करना है ताकि पनीर टूटे नहीं। तो अब बनाते हैं हम इसके लिए कढ़ाई पनीर मसाला। उसके लिए मैंने 5 से 6 लाल मिर्च ली हैं, 10 से 15 मैंने काली मिर्च ली है, जीरा लिया है, सौंफ ली है, धनिया और 2 छोटी इलायची। अब इनको अच्छे से सिम गैस पर पकाना है। अगर हमने इसको गैस तेज़ करके पकाया तो मसाला जल जाएगा, इसलिए हमें गैस सिम ही रखनी है और इसको धीरे धीरे मंदी आंच पर पकने देना है। अब देखो मसाला पक के एकदम तैयार हो गया है। अब इसको मैं अलग बर्तन में शिफ्ट करके पीस लेती हूँ। तो ये मेरा कढ़ाई पनीर मसाला बन के तैयार हो गया। अब हम सब्जियों को कट करते हैं। तो मैंने एक प्याज के 4 पीस किए हैं और उसमें से भी उसको हाफ पीस करके इनकी मुझे छलियाँ अलग अलग करनी हैं और जो छोटे पीस रह जाएंगे उसको हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। ऐसे ही सेम शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च को भी मैंने बीज निकाल के इसको अलग करके और इसके मैंने चौकोर चौकोर पीसेस कट कर दिए हैं। सेम टमाटर को भी हमें ऐसे ही इसी शेप में हमें कट करना है। शेप सब्जियों को आप जो चाहें आप वो दे सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो, ट्रायंगल में कट करनी है या स्क्वायर में करनी है, जैसे भी। सब्जियों को जो हमें कट करना है वो थोड़ा बड़ा बड़ा काटना है हमें। और जो ये टमाटर है, टमाटर को मैंने कट किया है, एक टमाटर के मैंने 4 पीसेस किए थे और इसका पल्प मैंने निकाल दिया, जिसको हम जो इसकी कढ़ाई पनीर की ग्रेवी है उसको बनाएंगे उसमें यूज़ करेंगे, हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे। अब जो ये दूसरा टमाटर लिया है इसको मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी, ये हमें ग्रेवी में यूज़ करना है। सब्जियाँ मेरी कट के तैयार हो गई हैं। ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च को भी मैंने बीच में से 2 पीस कर लिया है स्पाइसी करने के लिए। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं पहले इसकी ग्रेवी। तो कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल लिया है। अब मैंने इसमें जो प्याज के छोटे टुकड़े थे वो मिक्स कर दिए हैं और उसको गैस सिम पे सौते करना है। अब मैंने इसमें जो टमाटर थे और जो पल्प था उनको ऐड कर दिया, उनको भी 1 से 2 मिनट के लिए सौते करना है। अब मैंने इसमें कुछ मखाने ऐड किए हैं। अब मैंने इसमें काजू ऐड किया है। पनीर की जितनी भी ग्रेवी होती है वो ज़्यादातर रिच फ्लेवर देती है, क्योंकि उसमें हम ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं, जो आपको ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगे वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैंने नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के इसको पकाया है। तो ये ग्रेवी मेरी पक के तैयार हो गई है, इसको मैंने साइड में रख दिया पीस के। तो अब मेन है अपना कढ़ाई पनीर बनाना, तो अब उसको स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लिया है, इसमें मैंने 1 चम्मच मैंने ज़ीरा ऐड किया है, जिससे देखा कि तेल पक गया है। फिर मैंने इसमें जो हमारी प्याज की छलियाँ थी उसको कट किया है। अब मैंने इसमें शिमला मिर्च को ऐड कर दिया, हरी मिर्च को ऐड किया और ये जो टमाटर थे इनको, और इनको गैस को तेज़ करके 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, ताकि वेजीज हैं उसमें भी थोड़ी क्रंचीनेस रहे। अब इसमें मैंने मैरिनेट करा हुआ जो पनीर है वो मैंने मिक्स कर दिया ताकि इसमें थोड़ा तंदूरी फ्लेवर आए और इसके मसाले भी अच्छे तरीके से
मिक्स हो जाएं वेजीज में। अब आप देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा मसाले ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, ये पक रही है। 1 से 2 मिनट के लिए ही हमें इसे पकाना है। अब इसमें हम अपने मसाले ऐड करते हैं। मैंने 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच किचन किंग, 1 चम्मच छोटी मैंने इसमें नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये देखो पक के एकदम तैयार हो गया है। अब इसमें मैंने अपनी जो ग्रेवी बनाई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है और इसको हमें तेज आंच पर ही पकाना है 2 से 4 मिनट के लिए। अब ये पक के बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसमें मैं अपना कढ़ाई पनीर मसाला जो बनाया है उसको ऐड करूँगी 2 चम्मच और अच्छे से मिक्स करके इसको मैं अलग अपने बर्तन में शिफ्ट कर लूँगी। तो ये देखो मेरा कढ़ाई पनीर बनके एकदम तैयार हो गया है। इसको हम हरी मिर्च और हरे धनिए से गार्निश करते हैं। थोड़ा सा इसमें हम अपना क्रीम ऐड करेंगे। अब ये आप देखिए मेरी कढ़ाई पनीर बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको घर पर ट्राई करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबको बनाकर खिलाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।